Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जो खुद नहीं बन पाई वो बनाएगी माल्या राव को रकमाबाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो हद हो गई दोस्तों, रकमाबाई की हद हो गई। ऐसा वचन दे रही है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। एक अच्छा इंसान बनाएंगी वो माल्या राव को। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। माल्या राव को बुरा इंसान बनाने में कितनी मेहनत की है रकमाबाई ने, मगर अब वो वचन दे रही है कि मैं माल्या राव को अच्छा इंसान बनाऊंगी। आप और हम सब जानते हैं इसके पीछे क्या मंशा है रकमाबाई की, मगर हैरानी होती है ऐसे लोगों पे कि जो कुछ भी नहीं सोचते हैं, इंसानियत के आसपास भी नहीं है और अच्छे इंसान बनने और बनाने की बातें करते हैं। जरा सा भी जमीर इनके अंदर नहीं है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है रकमाबाई। ये भी ध्यान नहीं है कि जो बात कर रही है वो एक रिश्ते की बात है जिसमें सिर्फ माल्या राव नहीं है, सिर्फ अहिल्या देवी नहीं है जिनसे उसको नफरत है, बल्कि वो छोटी सी बच्ची भी है जिसको वो अभी जानती भी नहीं है पूरी तरह से। उसकी जिंदगी में कांटे बोने की बात कर रही है ये बड़ा वचन देके। माल्या राव को तो खुश कर लिया उसने, बड़े बड़े आंसू बहा के मगरमच्छ वाले अप्पा जी और उनकी पत्नी को इम्प्रेस कर लिया और ये बता दिया कि देवी अहिल्या कितनी अच्छी है और कितना बुरा हुआ है देवी अहिल्या के साथ। मालवा का भला करते करते वो अपनी जो बच्चों का भला करना भूल गई है। सोच के भी दोस्तों ऐसे लोगों से डर लगता है कि कहीं अपने आसपास ऐसे लोग ना हो जो इतनी मीठी छुरी बने कि हमारे बच्चों को ही बिगाड़ दें और फिर हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए हर हद तक चले जाए और उनका भी बेड़ा गर्क कर दे जिनको वो जानते भी नहीं है। तो ये जो रकमाबाई का सीन देखा दोस्तों, ये सीन देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगता था कि रकमाबाई ठीक है, एक नेगेटिव नैरेटिव पे चल रही है, एक नेगेटिव इमेज के साथ चल रही है जिसमें उसको रानी बनना है और उस तरह से वो चल रही है और देवी अहिल्या से नफरत करती है, मगर ये तब तक सही लग रहा था या समझ लो कि जायज लग रहा था कि नफरत है। चलो एक होता है किसी के अंदर फीलिंग होती है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मगर इस नफरत में उनको लेना जिनको आप जानते नहीं हो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। अभी तक उसको देवी अहिल्या से नफरत थी, जलसी थी, उनके आसपास के लोगों को, उनके बच्चों को उसने तंग किया, उनको बिगाड़ा, मगर अब मैना बाई से क्या दुश्मनी है, क्योंकि ये माल्या राव का विवाह माल्या राव के लिए तो अच्छा है ही, मैना बाई के लिए कितना खराब है। तो ये जब मैंने सीन देखा दोस्तों तो बड़ा ही खराब लगा और मुझे ये सोच के भी अफसोस हुआ कि ये जो वचन वो बोल रही है, दे रही हूं मैं, उसको खुद ही पता है कि कितना झूठा वचन वो दे रही है, क्योंकि जो खुद ही माल्या राव के लिए खड्डे खोद रही है वो कैसे माल्या राव को अच्छा इंसान बनाएगी, और जो खुद ही अच्छी इंसान नहीं है कैसे दूसरे को अच्छे संस्कार देगी। आपका भी ऐसा ही कुछ विचार होगा आई एम श्योर, कमेंट करना मत भूलिएगा। कीप कमेंटिंग, कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our